है इसको भी मैं आपको क्लोजली दिखाती हूँ। ये देखो नीचे इसका क्या है, और वो जो कलर आप देख रहे हैं ना वो मेरे हाथों से लगा है फ्रेंड्स। इतनी खूबसूरत कॉटन ड्रेसेस मैंने ली, इनका मैंने बहुत वेट किया था। ये भी 2300 या 2400 की है, इसमें वर्क किया हुआ है कॉटन, ये भी प्योर कॉटन है, डिफरेंट टाइप का कॉटन है ये। ये देखो ये भी फैशर की है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर। ये देखो इसका ये वर्क है, और ये इसकी इसका कपड़ा मैंने आपको दिखा दिया, कॉटन है। ये देखो वो मेरे हाथों से ही लगा है, ये देखो ये कॉटन है। और कौन सा कॉटन है मैंने आपको क्लोज करके दिखाया, आप कॉटन पहचान रहे होंगे। अंदर की लाइनिंग भी आपको दिख रही होगी, तो ये इस तरीके से है। ये देखो प्योर कॉटन में ये भी है, लेकिन वो कॉटन जो पीछे जो ड्रेस येलो वाली ली है मैंने मस्टर्ड कलर में, वो अलग कॉटन है, ये डिफरेंट कॉटन है। कॉटन की भी कई वेराइटीज़ हैं, इसमें वर्क किया हुआ है। ये देखो मैं आपको इस तरीके से दिखाती हूँ, ये देखो नेक है इसका, और लॉन्ग एकदम फ्रॉक ड्रेस टाइप की है, जो मेरे एकदम पैरों तक लेग तक है, मेरा मतलब पूरा मतलब ज़मीन को टच करता है ये। लेकिन जिनकी हाइट अच्छी होगी ना उनको ये नी लेंथ वाली जो ड्रेस होती है ना वैसा लगेगा। ये पूरा ड्रेस है, ये बहुत ही खूबसूरत, ये एक्चुअली प्योर कॉटन है ये भी। तो इसको मैं आप दिखाती हूँ थोड़ा सा आपको, पहले दूर से दिखाती हूँ कैसा लग रहा है ये। ये देखो इसका भी फ्लेयर बहुत अच्छा है, इसकी डिज़ाइन बहुत डिफरेंट है, कपड़ा भी बहुत ही डिफरेंट है। ये देखो तरीके से, और अब मैं आपको इसकी इसकी जो बाजू का जो डिज़ाइन है वो बहुत खूबसूरत है। ये देखो ये इस तरीके से बाजू है इसका ना, डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी टाइम से इन तीन ड्रेसेस को, दो तीन ड्रेसेस के ना मैंने रखा था, लेकिन ये कॉस्टली बहुत थी तो मैं वेट कर रही थी कि मैं एक साथ ही लूँगी इनको। ये देखो आप देख रहे होंगे इनको, इसके पीछे इस ये लाइनन, इसमें लाइनन लगा हुआ है और ये वर्क किया हुआ है, और ये बहुत ही मतलब कॉटन है, डिफरेंट टाइप का कॉटन है, ये आप देख रहे होंगे। ये देखो इस तरीके से, या मैं आपको बाजू से दिखाती हूँ। ये देखो इसमें ना लाइनन नहीं लगी हुई है, सिर्फ कॉटन है। तो इनमें लिखा हुआ है कि ये ड्राई वॉश है, और मैंने ड्राई वॉश के बजाय मैंने जस्ट वाटर में और थोड़ा सा लिक्विड सोप में इनको रहने दिया 2-3 घंटे या 4 घंटे, और उसके बाद मैंने इसको हल्का लाइट ड्राई किया 1 सेकंड के लिए और जल्दी से निकाल लिया। सबको सेपरेट मैंने किया था, सेपरेट ड्राई किया था, ड्रायर जो है ना सेपरेट किया था, और फिर मैंने इसको स्टीम प्रेस कराया सभी को। तो स्टीम प्रेस कराने के बाद मैंने आपको शो किया, ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूँ कि कॉटन है, लाइट कलर निकलेगा, लेकिन आप स्ट्रॉन्ग सर्फ ना डालें, स्ट्रॉन्ग सर्व से ना ड्रेस को। और इसके फ्लेयर मैं दिखाती हूँ, ये देखो ये भी बहुत सुंदर है। ये देखो यूं करके दिखाती हूँ, इसका डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है। ये देखो इस तरीके से, ये देखो इसका इसका भी फ्लेयर ना बहुत ही खूबसूरत है। ये देखो ऐसे, इसे भी मैंने आपको दिखा दिया, इसके बाजू का डिज़ाइन भी आपने देख लिया। अब हम जल्दी से मैं तीसरी वाली ड्रेस दिखा दूँ।